नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। यूपी के दो पूर्व एमएलसी भाइयों और उनके बेटों पर रेप और छेड़छाड़ का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली और बेटों पर रेप, मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। घटना बीते दिनों की बताई जा रही है। जिले के मिर्जापुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने डाक द्वारा एक तहरीर पुलिस अधिकारियों को भेजी थी। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया है कि नामजदों ने उसके साथ दुराचार किया, उसकी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी की। तहरीर के आधार पर महिला थाने में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली, बेटे जावेद आलीशान अफजल और एक अन्य व्यक्ति दिलशाद पुत्र मकसूद निवासी मिर्जापुर के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया गया है। पुलिस ने महिला थाने में सभी के खिलाफ गुनाहों के आधारित पॉक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, कुछ दिनों पहले सहारनपुर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, इसमें गंभीर आरोप रेप के और नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। इसमें तुरंत हम लोगों ने सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई। जांच में ये तथ्य सच पाए गए प्रथम दृष्टया, और उसके बाद हम लोगों ने छः लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसमें से दो व्यक्ति इकबाल बाला और महमूद अली, इनके खिलाफ रेप का आरोप है, और बाकी चार अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। इसमें विवेचना जारी है, और विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई सहारनपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। देखिए, पूर्व में जो मुकदमे लिखे हुए हैं उसमें एक टीम बनी हुई है, सहारनपुर पुलिस द्वारा एसआईटी का गठन किया हुआ है। इसमें कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो गई है, कुछ व्यक्ति एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की भी शीघ्र गिरफ्तारी हमारे द्वारा की जाएगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।